Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. जैन दर्शन का अनेकांत, स्यादवाद और सप्तभंगी नय, ये तीनों क्या है? अनेकांत दर्शन है, स्यादवाद है और सप्तभंगी नय है, तीन चीजें हैं। नय नय अनेकांत दर्शन का मतलब है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वह एब्सोल्यूट नहीं है। तो नॉन एब्सोल्यूटिज्म इज कॉल्ड अनेकांत दर्शन, क्योंकि जब तक हमारा दर्शन केवल दर्शन नहीं है, द ओनली विजन, द ओनली परसेप्शन या मियर परसेप्शन नहीं है, जब तक हमारे देखने में अभी चीज़ें टुकड़े टुकड़े नज़र आती है, फ्रेगमेंटेड नज़र आती है, अभी हमारा होलिस्टिक विज़न नहीं है, तब तक हम जो कुछ भी देखते हैं वो मल्टीफेसेटेड देखा जाएगा, वो कंप्लीट नहीं देखा जाएगा। ये हमारे लेवल पे अनेकांत दर्शन है। लेकिन जो केवल ज्ञानी है उनके लिए अनेकांत दर्शन नहीं है, उनके लिए केवल दर्शन है। द ओनली परसेप्शन, द ओनली होलिस्टिक विजन है उनके पास में, पर हमारे, हम लोग होल नहीं है, होली भी नहीं है, इसलिए होलिस्टिक विजन भी नहीं है। हम लोग पूर्ण नहीं है और पवित्र नहीं है, इसीलिए हमारा विजन जो है वो अनेकांत है, एकांत नहीं है, पूर्ण नहीं है। इज इट क्लियर? अब ये जो अनेकांत दर्शन है, यानी समझना और देखना अनेक आयामी, मल्टी डायमेंशनल विजडम, इसको जब हम प्रकट करते हैं, बोलते हैं, तो उस वचन को वाद कहते हैं। वाद यानी बोलना, वचन प्रयोग, वाद। उस वाद के आगे स्याद वाद लग गया। स्याद, स्याद का मतलब क्या है कि जो कुछ हमारा बोलना है, जो कुछ हमारा कहना है, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। हम एक विषय के बारे में कितना भी कहें, हम उस विषय को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक टाइम में तो नहीं कर सकते। तो हम जितना भी बोले वो पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण हुआ, तो अपूर्ण क्या सत्य होगा? क्या अपूर्ण सत्य नहीं होगा? तो क्या अपूर्ण असत्य होगा? क्या क्वेश्चन पैदा हुआ? जो अपूर्ण कहा गया वो सत्य नहीं, तो वो असत्य भी नहीं, तो वो क्या सत्य हुआ? तो कहते स्याद सत्य, किसी अपेक्षा से सत्य। स्याद यानी किसी अपेक्षा से, फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट, फ्रॉम सम व्यू पॉइंट्स, वो किसी व्यू पॉइंट की अपेक्षा से, किसी व्यू पॉइंट से वो सत्य है। तो स्यादवाद का मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी वचन कहे हैं वे वचन सत्य है, लेकिन किसी अपेक्षा से सत्य है, सापेक्ष सत्य है, रिलेटिव ट्रुथ है, रियल ट्रुथ नहीं है, क्योंकि रियल ट्रुथ परसीव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। जैसे आपने घी खाया, खाया, घी का स्वाद कैसा होता है बताओ जरा, वी कांट एक्सप्रेस। खाया ना घी, लेकिन घी का स्वाद एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बड़ा अजीब गरीब है। अच्छा, आपने प्यार महसूस किया कभी? कैसा होता है प्यार, कहो जरा, वी कांट एक्सप्रेस, है ना? तो जो हम कह नहीं पाते लेकिन समझते हैं, और जितना भी कहें वो अधूरा सा लगता है, उसको कहते हैं स्यादवाद। ये स्यादवाद कब स्यादवाद होता है और कब स्यादवाद नहीं होता है, इसको समझना। जब हम जितना भी कहते हैं उसके प्रति आग्रहशील होते हैं और ऐसा बोलते हैं ऐसा ही है, बस यही है, बस यही ठीक है, अब हमारी जो वाणी है वह अस्यादवाद वाणी है। और जब हम कहते हैं ऐसा भी है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपके व्यू पॉइंट से वो भी सत्य है, आपका व्यू पॉइंट है वो भी सत्य है, आपका व्यू पॉइंट है वो भी सत्य है, जब हम सभी के अलग अलग पक्षों को, सभी के अलग अलग व्यूज़ को, अलग अलग अपेक्षाओं को, अलग अलग दृष्टिकोणों को हम एक्सेप्ट करते हुए अपने व्यू पॉइंट के बारे को भी नहीं नकारते और दूसरे को भी नहीं नकारते, तब हम स्यादवादमय वचन बोलते हैं। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं मैंने बोल दिया ना वही सही है, तुम जो बोल रहे हो वो सही हो ही नहीं सकता है,
अब हमारी जो वाणी वो अस्यादवाद वाणी हो गई। अस्यादवाद वाणी होने की वजह से क्या होता है, आग्रह, अहंकार, और अहंकार के परिणाम से कलह क्लेश। जितने भी कलह क्लेश है, जितने भी लड़ाई झगड़े है, वो सब क्या व्यू पॉइंट्स के जो है। और अगर समझदार हो तो क्या होगा, मैंने कही तुमने मानी, हमने कही तुमने मानी, न तुम जीते न हम हारे, एक ने कही दूजे ने मानी, न एक जीता न एक हारा, ये दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, दोनों एक दूसरे के पक्ष को समझ पाते हैं, तो वहाँ पर कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, उसको स्यादवाद कहते हैं। अगर एक समझदार व्यक्ति है तो वह वाणी को कभी भी आग्रह के साथ नहीं बोलेगा, अहंकार के साथ नहीं बोलेगा, ही बोलते हुए नहीं बोलेगा, भी कहते हुए बोलेगा। ऐसा भी है, ऐसा भी है। जैसे अभी हमसे पूछे जाए गर्मी, हम कहें हाँ हमारे यहाँ गर्मी है, सामने वाला कहेगा अरे नहीं हम तो बैठे बहुत बढ़िया हवाएं हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश में बैठा होगा हो सकता है, या किसी अमेरिका में बैठा होगा तो बड़ी ठंड हो रही होगी उसको वहाँ पे, वो कहेगा अरे ठंडी है, हम कहेगा बिल्कुल नहीं जी गर्मी है, अब झगड़ा हो जाएगा। फिर दोनों को समझ आ जाए भी तुम्हारा क्षेत्र अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है, तुम्हारा काल अलग है, हमारा काल अलग है, हम कहें हमारे लिए गर्मी है, तुम्हारे लिए सर्दी है, हम दोनों को एक्सेप्ट करते। जब हम विपरीत बातों को भी एक ही समय में एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं तो वो स्यादवाद वचन हो जाते हैं हमारे। और जब हम विपरीत बातों को, विपरीत धर्मों को एक साथ एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं तो हमारा दृष्टिकोण एकांत हो जाता है और वाणी भी अस्यादवाद हो जाती है। अब ये समझना क्यों जरूरी था, अनेकांत और स्यादवाद को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में ही हम सारे लोग एक दूसरे से हमेशा जुदा जुदा बने रहते। इसको समझ लें तो हमें सब लोग समझ में आ जाएंगे। आप पानी को पानी कह रहे हो, कोई लोग पानी कह रहा है, कोई लोग पिच कह रहे हैं, कोई लोग भू कह रहे हैं, कोई खाली इशारा ही कर रहे हैं। छोटा बच्चा कहता है भू पीना, भू पीना, वो भू भी कहता है पानी को। किसी लैंग्वेज के अंदर वाटर भी कहा जा रहा है, किसी और लैंग्वेज में कुछ और भी वर्ड कहा जाता होगा, लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज का आग्रह ना करें, अगर ठीक है ना, जो सारे दर्शन, सारी बातें जिस तथ्य की ओर ले जा रहे हैं, हमें तो उस तथ्य से प्रयोजन है, उस फैक्ट से प्रयोजन है, उसके लिए वो कौन सी वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं सब लोग, उससे हमें क्या। तो हम वोकैबुलरी को नहीं, फैक्ट को महत्व दें। हम वोकैबुलरी के अंदर प्रयोग होने वाले अलग अलग तरीकों को, मतलब इसी तरह से हम धर्म को महत्व दें, अलग अलग उपासना की विधियों में ना अटके, तो हम अनेकांत दर्शन के द्वारा बिना किसी कलह क्लेश के सत्य तथ्य को पहचान सकेंगे। लेकिन अगर हमारा दर्शन अनेकांत नहीं है तो हम अपनी ही उपासना पद्धति के प्रति इतने ज़्यादा आग्रहशील हो जाएंगे, अपनी संप्रदाय के प्रति इतना ज़्यादा आग्रहशील हो जाएंगे, अपनी रीति रिवाज और परंपरा के प्रति इतने ज़्यादा आग्रहशील हो जाएंगे कि हम बाकी जो विराट सत्य है उस विराट सत्य की तरफ कभी हमारा दृष्टिकोण आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि हमारी दृष्टि अपने ही कोण के साथ बन चुकी है। अनेकांत हमें विराट दर्शन को ले जाता है, स्यादवाद हमें इस दुनिया में व्यवहारिक बन के जीना सिखाता है। क्लियर, अनेकांत तो स्यादवाद हो गया। अब तीसरा पॉइंट है सप्त नए, सप्त भंगी, सप्त नए भी नहीं, आप सप्त भंगी की बात कर रहे हो, सप्त नए एक अलग चीज है, सप्त भंगी अलग चीज है। सप्त भंगी स्यादवाद का ही एक पार्ट है। स्यादवाद यानी बोलना, दर्शन और वाद में फर्क है। अनेकांत दर्शन है, अनेकांत वाद नहीं है, स्यादवाद है, स्याद दर्शन नहीं है। अनेकांत दर्शन को जब अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो स्यादवाद कहलाता है। कई लोग बात करते हुए, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी आप देखना, वो अनेकांतवाद बोलेंगे, जबकि अनेकांतवाद नहीं है, अनेकांत दर्शन है। दर्शन का मतलब जो आप फील कर रहे हो, जो आप परसीव कर रहे हो, जो आपका दृष्टिकोण है, वह अनेक आयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। एग्जाम्पल से समझे, हम अभी जिस भवन में हैं, इस भवन को कोई हमें कहे डिस्क्राइब करो एक फोटो के द्वारा, वी कांट डिस्क्राइब फ्रॉम अ सिंगल फोटो, फ्रॉम अ सिंगल पिक्चर, क्योंकि आप फ्रंट से पिक्चर लेते हो, बैक से लेते हो, अलग आ जाएगी, अंदर आके लेते हो अलग होगी, बाहर जाके लेते हो अलग होगी, अलग अलग कौन से लोगे अलग होगी। तो हम क्या कहेंगे, भैया आपको इस भवन को समझना, इस बिल्डिंग को समझना, तो एक पिक्चर से तो आप नहीं समझ सकते, इसके लिए आपको कई सारी पिक्चर्स लगेंगे। तो एक छोटी सी बिल्डिंग को हम अनेकों पिक्चर्स से समझते हैं। दुनिया में ऐसा एक भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, एक भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या वाद या परिस्थिति या हालात नहीं है
जिसको कि हम एक ही फेस से समझ सकें, तो अनेकांत दर्शन है। लेकिन उस अनेकांत दर्शन की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति को वाद कहते हैं, वह स्याद है। स्याद यानी कथनचित सत्य, सापेक्ष सत्य, रिलेटिव ट्रुथ, किसी अपेक्षा से सत्य। जैसे कोई पूछे आप कौन, तो आप कहते मैं इसकी मम्मी हूँ। भाई हम इसको जानते हैं तो आप क्या बोलोगे, हम इसकी मम्मी हैं। लेकिन आप मम्मी थोड़ी हो, आप किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की वाइफ हो, किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो। तो ये इतने सारे हम रिलेटिव से किसी से बात करते हैं, तो जो रिलेटिव ट्रुथ को कहा जाता है वो स्यादवाद है। तो समझने वाला भी समझता है, बोलने वाला भी बोलते वक्त जानता है कि ये बात जो कही जा रही है ये केवल एक आयाम का सत्य है, अनेक आयाम का सत्य हम एक साथ में नहीं कह सकते। तो अनेकांत दर्शन को अभिव्यक्ति देने वाले वाक्य प्रणाली को, सिद्धांत को, धारा को स्यादवाद कहा जाता है। अब स्यादवाद में अगर बात करनी है तो आप कैसे बात करोगे, उसके लिए 7 ऑप्शंस दिए गए हैं। 7 ऑप्शंस टू एक्सप्रेस अ सिंगल सेंटेंस, जैसे कैसे वो 7 ऑप्शंस के, पहले उसके नाम समझ लें, जिसको सप्तभंगी बोलते हैं। भंग मतलब ऑप्शन, सप्त यानी साथ। सप्तभंगी में पहला है स्याद अस्ति, दूसरा है स्याद नास्ति, तीसरा है स्याद अस्ति नास्ति, चौथा है स्याद अवक्तव्यम, पांचवा है स्याद अस्ति अवक्तव्यम, छठा है स्याद नास्ति अवक्तव्यम, और सातवा है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। ये 7 ऑप्शंस दिए हैं पुराने स्कॉलर्स ने कि जब आपको बात करनी है किसी भी संबंध में, तो आप किसी बात को कहते समय किसी एक धर्म को, किसी एक पक्ष को, किसी एक क्वालिटी को उजागर करोगे, दूसरी क्वालिटी उसके अंदर है लेकिन तब वे उजागर नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं कि परम दयालु है, तो इसकी एक क्वालिटी उजागर हुई, बाकी सारी क्वालिटीज को हम डिनाई नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि परम दयालु है तो इसका मतलब खाली परम दयालु है क्या, वो पढ़ा लिखा नहीं है क्या, वो सुंदर नहीं है क्या। तो हम कह रहे भैया वो होगा, अभी हम एक ही सेंटेंस में एक ही क्वालिटी को उजागर कर रहे हैं, तो हम बाकी को नकार नहीं रहे लेकिन हम बाकी को प्रकट नहीं कर रहे। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विषय, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम एक टाइम में उसकी सारी क्वालिटीज़ को तो नहीं कह सकेंगे, तो हम किसी एक क्वालिटी को प्रकट करेंगे। तो हम कहेंगे यह ऐसा है, यह ऐसा है, जैसे परम दयालु है, कविता विद्वान है, यह ऐसा है। तो इसको कहते हैं स्याद अस्ति, स्याद यानी किसी अपेक्षा से, अस्ति यानी है। ये गड़ा है, ये कपड़ा है, ये सोफा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सब हमने जो कहे वाक्य, तो हम इसको नकार नहीं रहे कि एक स्त्री में पुरुष जीन भी होते हैं, एक पुरुष में स्त्री जीन भी होते हैं, हम उस बातों को नकार नहीं रहे, लेकिन हम एक पक्ष को प्रकट कर रहे हैं, किसी एक क्वालिटी को प्रकट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्याद अस्ति। फिर सेकेंड है स्याद नास्ति, नास्ति यानी वो ऐसा नहीं है। जैसे अभी इस कक्ष में घर का मालिक नहीं बैठा है, तो ऐसा नहीं कि घर का मालिक नहीं है लेकिन इस कक्ष में नहीं बैठा है, या अभी दिन नहीं है क्योंकि इस टाइम रात है। तो अगर हम कहते हैं अभी दिन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि रात का अस्तित्व नहीं है, अभी दिन नहीं है, तो स्याद नास्ति। हम किसी को अभाव पक्ष को कहते हैं तो हम उसके पूर्ण अभाव को नहीं कहते, हम उसके उस समय की सापेक्षता के साथ अभाव को कहते हैं, उस क्षेत्र में की सापेक्षता के साथ अभाव को कहते हैं। जैसे कि अभी आमों का सीजन है तो हम कहेंगे अभी आम का मौसम है, और अगर अभी आम का मौसम नहीं है तो हम कहेंगे अभी आम का मौसम नहीं है। मतलब नहीं कि आम खत्म, आम नहीं है या मौसम ही नहीं है, आम का मौसम इस समय नहीं है। तो जब हम बात करते समय किसी नास्ति पक्ष को बोल रहे हैं तो हम उसके प्रति भी आग्रहशील ना बने, हम ऐसा ही कहें इस समय ऐसा नहीं है, इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है, या ये व्यक्ति क्लास में पास नहीं हुआ, ये व्यक्ति पढ़ाई में कमजोर है। तो कुछ सेंटेंसेस में हम किसी एक अस्ति पद को कहते हैं, कुछ के हम अभाव को कहते हैं। जैसे इस टाइम बारिश का अभाव है, गर्मी बहुत है, हो सकता है कहीं और बारिश होगी, हमारे यहाँ नहीं हो रही, पर हमें ये बात कहने के साथ सामने वाला समझता है, हम समझते हैं कि वो नास्ति की बात कर रहे हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ठीक है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है
जहाँ हमें दोनों वाक्य एक साथ बोलने होते हैं, स्याद अस्ति नास्ति। किसी एक व्यक्ति का वर्णन जब करना होता है तो उसके दोनों पक्षों को बोलना होता है। जैसे कि आप अपने ड्राइवर के बारे में बोलते हो, ये एक अच्छा ड्राइवर है लेकिन ये सुनता नहीं है। ड्राइविंग अच्छी करता है लेकिन उसकी हियरिंग प्रॉब्लम है, सुनता नहीं है। अभी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, अभी ड्राइविंग अगर सुनेगा नहीं ड्राइवर तो अच्छी ड्राइविंग कैसे करेगा। लेकिन इसमें ड्राइविंग की स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन ये अब हम जो कहते हैं वो सुनता नहीं, अपनी मनमानी करता है तो भी हम कहेंगे सुनता नहीं है। तो अब ऐसे में हम उस व्यक्ति के लिए अच्छा या बुरा कोई एक वाक्य नहीं बोल सकते, हमें दोनों एक साथ बोलना है। तो हम एक अपेक्षा से ऐसा है, एक अपेक्षा से ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ बोल देते हैं। तो उस वाक्य की रचना को हम किस तरह से बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे कि यह मशीन अच्छा प्रोडक्ट करती रही है लेकिन आजकल खराब है, वो अस्थि भी है नास्ति भी है, दोनों पक्षों को हमने प्रकट किया। तो अच्छा प्रोडक्ट करती रही मतलब मशीन तो बहुत अच्छी है लेकिन आजकल खराब है, प्रोडक्ट नहीं कर पा रही है, तो नास्ति भी कह दिया अपन ने। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं हमारी लाइफ के अंदर जहाँ हमें दोनों बातों को एक साथ व्यक्त करना है, तो हम दोनों बातों को, अब ये तो मैंने एक ही धर्म में बात कही, कई बार दो विरोधी धर्मों को भी कहना होता है, तो दो विरोधी धर्मों को भी हम एक साथ कहते हैं, लेकिन कहते हुए ऐसा नहीं कहते कि ऐसा ही है, हम कहते हैं ऐसा है ऐसा नहीं है। जैसे कि आदमी बहुत समझदार है लेकिन गुस्सा करता है, जब गुस्सा करता है तब आउट ऑफ हो जाता है, इसको समझ नहीं आता इसको क्या करना है, और समझदार भी और गुस्सा भी करता है, दो बिल्कुल विपरीत बातें हैं लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, और सुनने वाला भी समझ रहा है, बोलने वाला भी समझ रहा है, कहीं कोई झगड़ा फसाद नहीं पैदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्यादस्ति नास्ति। कुछ कुछ घटना ऐसी होती है, सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कह ही नहीं पाते उसके बारे में, उसको कहते हैं स्याद अवक्तव्यम, मतलब अनएक्सप्रेसिबल है। जैसे कई लोग कहते हैं कि उस दिन प्रवचन सुन के पता नहीं क्या हुआ मेरे भीतर। अच्छा भाई क्या हुआ, बोलो जरा क्या हुआ। तो कुछ तो भी हुआ। अरे कुछ तो भी हुआ तो क्या हुआ, बोलो तो सही। बोला आई कांट एक्सप्रेस कि हुआ क्या था। कुछ तो भी हुआ था दिन, ध्यान में कुछ तो भी हुआ था, भक्ति में बैठा था, अरे क्या हुआ, कुछ अद्भुत हुआ। भाई अद्भुत हुआ तो बताओ उसको कैसा अद्भुत हुआ। तो ज्यादा वक्तव्य हम नहीं बोल सकते। तो कई बड़े एक्सपीरियंसेस कांट एक्सप्रेसेबल, तो क्या करेंगे उसके लिए, ज्यादा वक्तव्य। वो भी बोला हमने, पर बोल के भी हमने कुछ नहीं बोला। हमने बोला है कि मेरे को प्रवचन में कुछ हुआ है, ये बोला तो है ना, लेकिन क्या हुआ हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो अवक्तव्यम हो गया। फिर ऐसी तरह से शायद अस्थि अवक्तव्यम है लेकिन कहा नहीं जा सकता, शायद नास्ति अवक्तव्यम नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता। चौथा था शायद अवक्तव्यम, पहला शायद अस्थि, दूसरा शायद नास्ति, तीसरा शायद अस्थि नास्ति, चौथा शायद अवक्तव्यम। शायद अवक्तव्यम बोला नहीं जा सकता, प्रकट नहीं किया सकता, अव्यक्त है। परमात्मा की महिमा अव्यक्त है, कितनी भी करो कम है। पांचवा है स्याद अस्ति अवक्तव्यम, है इस अपेक्षा से है लेकिन कहा नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन मैं कह नहीं सकती कि किन अर्थों में साथ हूं, That is called स्याद अस्ति अवक्तव्यम। मैं हूं तुम्हारे साथ में लेकिन मैं किन अर्थों में हूं मैं ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं कोई नाम में नहीं आ सकती, कोई रिश्तों में नहीं बन सकती, पर मैं हूं तुम्हारे साथ, स्याद अस्ति अवक्तव्यम। स्याद नास्ति अवक्तव्यम, सपोज तुम्हारी जिंदगी से कोई चला गया, अभी वो नहीं है, वो नहीं है लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो नहीं है। वो गाने बोलते हैं ना, तू जिंदगी में कुछ इस तरह से शामिल है, हा? तो बोले तू है शामिल लेकिन तू कैसी है भी नहीं कह सकते, अभी तू चली गई है लेकिन फिर भी तू यहीं कहीं है। ऐसे भावनात्मक अर्थों में लोग बड़े बोलते हैं ना, तो शायद नास्ती वो नहीं है लेकिन अवक्तव्य। ऐसे अभी बहुत गर्मी है, हवा ही नहीं चल रही, हम लोग जनरली बोल देते हैं हवा नहीं चल रही, ऑल्दो हवा चल रही है
लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं चल रही है, तो सामने वाला हमारे भावों को समझ जाता है, वो झगड़ा नहीं करता। आपने ऐसा कैसे कह दिया जी हवा नहीं चल रही, नहीं चल रही तो हम सांस कैसे ले रहे होते, हम जीवित कैसे होते। पर वो समझ गया कि भैया हवा नहीं चल रही है ये नहीं कहते हुए भी हम पूरा नहीं नहीं कह रहे, हम जिन अर्थों में कह रहे नहीं है उन अर्थों की बात है, तो शायद नास्ती है लेकिन अवक्तव्य है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। फिर है शायद अस्थि नास्ति अवक्तव्य, तीनों एक साथ है भी नहीं भी कह भी नहीं सकता। मैं हूँ क्या हूँ नहीं पता, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ लेकिन मैं अपने आप को कुछ कह नहीं सकता हूँ। मतलब ये कंफ्यूजिंग स्टेज भी हो सकती है और ये एक अल्टीमेट स्टेज भी हो सकती है। दोनों स्टेज पे आदमी सेम होता है। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ तो लोगों ने पूछा कि आपको ज्ञान हुआ क्या हुआ, ओके क्या बताऊँ क्या हुआ, कुछ हुआ लेकिन कह नहीं सकता कि क्या हुआ। मैं उसको ज्ञान कहूँ तो भी पता नहीं, शायद वो कुछ शून्य है। अब उसको शून्य कह रहे हैं, जिसको महावीर केवल ज्ञान कह रहे हैं ना, गौतम बुद्ध उसको शून्य कह रहे हैं। वो कह रहे आत्मा है लेकिन अभी वो है फॉर्म, ऐसे मैं कुछ कह नहीं सकता वो क्या है, तो मैं शायद उसको शून्य ही कहूँगा कि वो शायद शून्य है। और उस शून्य को भी वो शायद कह रहे कि वो शायद शून्य ही है, क्योंकि उसको कहा नहीं जा सकता ना, और वो फॉर्म में है नहीं तो देख बताया भी नहीं जा सकता कि इस फॉर्म में होगी, तो मेरे को कुछ तो भी हुआ है लेकिन मैं कह नहीं सकता मुझे क्या हुआ है। दैट इज कॉल्ड स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं बहुतों की जिंदगी में घटती है, जब ये लोग है किस स्टेज में भी होते हैं, नहीं किस स्टेज में भी होते हैं, और दोनों को कह नहीं सकते, इस स्टेज में भी होते हैं, और जनरली कन्फ्यूजिंग और अल्टीमेट दोनों सिचुएशन में आदमी के स्टेटमेंट्स काफ़ी कुछ सिमिलर से हो जाते हैं। बहुत समझदार आदमी भी कुछ नहीं बोल सकता है और बहुत कंफ्यूज आदमी भी कुछ नहीं बोल सकता है, ये तो बाकी लोग बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो अनेकांत दर्शन, स्यादवाद, स्यादवाद को समझने के लिए सात सप्त भंगी, सप्त ऑप्शंस ये सारे दिए गए हैं। इस तरह से ये दो टॉपिक्स जैन दर्शन में की एक विशिष्टता कहलाती है, जैन दर्शन की एक विशिष्ट पहचान कहलाती है, क्योंकि जैन दर्शन निष्पक्ष समकित होने की बात करता है। और समकित होने का मतलब ये कि किसी एक पक्ष को पकड़ के नहीं रहना, निष्पक्ष रहना। तो जब निष्पक्ष हो गए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, सब लोग कहेंगे कि तुम कुछ कुछ तो भी बोलो, तुम मेरे फेवर में आओ या उसके फेवर में जाओ, किसी तो पार्टी के मेंबर बनो। तो आप कहोगे मैं कैसे पार्टी का मेंबर बन सकता हूँ, क्योंकि इस अपेक्षा से ये ठीक है, उस अपेक्षा से तुम ठीक हो। अब बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन वो व्यक्ति को चाहे दुनिया वाले समझे ना समझे, लेकिन जो बहुत जानता है वो बहुत कम कह पाता है, ये सत्य है। और जितना ज़्यादा जानोगे उतना ही अभिव्यक्ति में स्याद अवस्था आ जाएगी। अब कैसे कहें, शायद कम जानते तो बहुत कुछ बोलते थे, ज़्यादा जानने पर तो बोलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जिसने पूरा जान लिया उसने फिर क्या बोला, उसने बोला जो भी बोलूँगा वो अधूरा रहेगा। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहते हैं, उनकी कविता की स्टार्टिंग की दो पंक्तियाँ है कि शास्त्र सभी सब पूर्ण पुरुष के पूर्ण ज्ञान की बात अधूरी, शास्त्र सभी सब पूर्ण पुरुष के पूर्ण ज्ञान की बात अधूरी। ऐसा ही है अनेकांत दर्शन और स्यादवाद। जय हो।